वो थोड़ा टाइट हो गया है, बस अब 5 ही मिनट में इसका मक्खन निकल जाएगा। 5 मिनट और मेरे को ऐसे ही घुमाना है इसको, 5 मिनट बाद ही मक्खन निकल जाएगा। इसका मक्खन तो निकल गया है, बस अब इसका ना दूध अलग होना बाकी है। ये दूध छोड़ देगा, इसके अंदर जो भी दूध है थोड़ा सा और चलाने पे ना ये अपना दूध छोड़ देगा सारा। ठंड है ना इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, अगर गर्मी होती तो अभी तक तो दूध अलग और मक्खन अलग हो जाता, पर अभी गर्मी है तो थोड़ा टाइम लेगा। कोई नहीं, हम करते हैं इसको। और ये फाइनली दूध छोड़ दिया है वो मक्खन ने, ये बटर मिल्क है हमारा, ये जो निकल गया है ये हमारा बटर मिल्क है, ये देखो। अब जो ये निकला है ये एकदम प्योर मक्खन है, और ये हमारा मक्खन देखो। और ये देखो कितना सारा बटर मिल्क निकल गया हमारा। अब हम इसमें से बनाएंगे पनीर। अब हम बनाएंगे उस बटर मिल्क से जो मक्खन से निकला था उससे पनीर बनाएंगे। ये वही मिल्क है जो उससे निकला था, बटर मिल्क है जो बटर से निकला था, अब इसका पनीर बनाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाए, उसमें एक उबाल आ चुका है, मैंने गैस अभी बंद करी है, तब इसमें एक उबाल आ जाए तब इसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है बस, और गैस दोबारा चलानी है। और अब इसको धीरे धीरे चलाना है। ये देखो ये फटना शुरू हो गया। थोड़ा सा और विनेगर मैंने डाला है, और ये वाला विनेगर डालते ही देखो और ये बन गया हमारे बटर मिल्क से पनीर। तो आप भी ऐसे जब भी अपने मलाई से वो निकालें मक्खन, तो उसको दूध को जो दूध उसमें से निकलता है उसे वेस्ट ना करें, फेंके ना। ये देखो ये पानी पानी इसका अलग हो गया है, और ये हमारा निकल गया है पनीर। अब आप इस पनीर का चाहे पालक पनीर बनाओ, चाहे आप इसके परांठे बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो। बस इसको ना वो बड़ी वाली जो छन्नी होती है लोहे की उसमें छान देना, या कपड़े में बांध के लटका देना थोड़ी देर, इसका सारा पानी निकल जाएगा और आपका पनीर तैयार है।